बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है वो है व्यूअर बैच एडिटिंग। ठीक है व्यूअर्स, बैच एडिटिंग व्यूअर्स क्या होती है आज इसको हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स इसके ऊपर क्लिक करें या आप व्यूअर्स बैच एडिटर पर क्लिक करें तो व्यूअर्स ये काम एक ही तरह करेगा, चाहे आप यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास जो है हमारा बैच एडिटर ओपन हो गया। ये उसका जो है आउटले है, या उसे कहें ये उसका फेस है जिसपे हम काम करेंगे। ये इन्वायरमेंट इस तरह का है उसका। और अगर आप व्यूअर्स यहाँ पर देखें, ये व्यूअर्स वही हमारा ट्री है, ये हमारा ट्री है जिसकी मदद से हम अपनी फाइल्स तक एक्सेस हासिल करते हैं, या अगर हम ये कहें कि इसकी मदद से हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, आप ये देखें ये हमारी तमाम पिक्चर्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, और ये बटन है इनको बड़ा छोटा करने के लिए। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये इसका व्यू दिखाता है, ये हमें इसका व्यू दिखा रहा होता है। ये देख रहे हैं कैसे व्यू इसका चेंज हो रहा है, ये इसका हमें व्यू दिखाता है। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स बात होगी बैच एडिटर असल में करता क्या है। देखिए, बैच एडिटर से मुराद है कि आप एक ही वक्त में बहुत सारी फाइल्स, यानी फॉर एग्जाम्पल 50, 60, 100 तमाम फाइल्स का साइज चेंज करना चाहते हैं, उनका साइज एक जैसा रखना चाहते हैं, उनके नेम्स चेंज करना चाहते हैं, उनमें फ्रेम्स लगाना चाहते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग। यानी आप ये तमाम काम जो है वो एक ही वक्त में तमाम फाइलों पर कर सकते हैं। बैच एडिटर का मकसद है कि आप 10-12 फाइल्स लें, उन पर एक ही अमल फौरन से कर लें। ठीक है, तो हम सिखाते हैं किस तरह करते हैं। देखें व्यूअर्स, ये वाला जो पोर्शन है आप इसको देखें, इस वक्त ये एम्प्टी है, ये खाली है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। आप व्यूअर्स यहां से भी ऐड करवा सकते हैं अपनी फोटोज, और यहां से भी, दोनों तरीकों से ऐड करवाता हूं। देखें व्यूअर्स, इस पे मैंने रखा पॉइंटर, पॉइंटर रखने के बाद इसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहां पे मैं इसे ड्रॉप करवा देता हूं। ठीक है, यानी यहां पर मैं इसे आकर छोड़ दूंगा। जैसे व्यूअर्स मैंने छोड़ा, आप देखें ऊपर एक नाम आ गया, ये वो फाइल है, और नीचे आप ये देखें व्यूअर, ये वो हमारी फाइल आ गई। और ये वाला वो पॉइंटर है जो फाइल की लोकेशन बताता है कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं, यानी वो हमें उसका, देखिए फाइल का साइज बड़ा है ना, तो जैसे जैसे हम पॉइंटर को मूव करेंगे वो वाला हिस्सा हमें दिखाएगा। अब उसके बाद व्यूअर्स, अब यहां से मैं ऐड करना सिखाऊं कि यहां से हम किस तरह ऐड करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पर हम इस इमेज को लेते हैं, या हम इस इमेज को किसी को भी, लेकिन उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स ओके प्रेस करें, ये देखिए आपका दूसरा इमेज आ गया व्यूअर्स। यहाँ से अगर हम इसे लेना चाहते हैं, ये देखें इसे यहाँ ड्रॉप करवा देते हैं। देखें व्यूअर्स, यहाँ पर तीसरा इमेज आ गया, यानी 1, 2, 3, तो तीन इमेजेस इस वक्त हैं हमारे पास। अब व्यूअर्स हम इसे सिलेक्ट करके ड्रॉप करवाते हैं यहाँ पर, ये देखें व्यूअर्स। अब उसके बाद व्यूअर्स यहाँ से भी हम ऐड करवाएंगे, अब हम दो इमेज इकट्ठे ऐड करवाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें ये हम दो इमेज, यानी दो इमेज को हमने सेलेक्ट किया, दो तस्वीरों को, और इसे ओके प्रेस करते हैं। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 पिक्स जो है हमने यहाँ पर इंसर्ट करने। अच्छा, अब व्यूअर क्या करते हैं, सबसे पहले इनका साइज चेंज करते हैं। आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स, हम देखें इसका साइज सबसे बड़ा है, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पर ये एक छोटी सी विंडो अपीयर हो जाती है जिसका साइज बड़ा होता है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इस पिक्चर का साइज बड़ा है, अगर 25 पिक्चर्स को देखें, ये लिखा है 25.jpg, इसका देखिए साइज छोटा है, यहाँ पर वो विंडो नहीं अपीयर हुई जो हमें शो करवाती है। अगेन इस पर अगर हम जाते हैं, देखें इसका साइज भी छोटा है, और इन तमाम के साइज जो है वो मुख्तलिफ हैं। आप ये देख रहे हैं इन सब के साइज मुख्तलिफ हैं, देखें ये आप देख रहे हैं, किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है। अब हम चाहते हैं इन सब के साइज सेम कर लें। ठीक है, उसका व्यूज देखें तरीकाकार क्या है। ये व्यूज बटन है तीन, होम है, फिल्टर है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम होम पर हैं, होम पर हम क्या काम करेंगे, देखें ये लिखा है रीसाइज, हम रीसाइज करना चाहते हैं व्यूअर्स, यहां से क्लिक करें, यहां से भी हम साइजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहां पे ये जो छोटा सा आइकॉन बना हुआ है ना व्यूअर्स, यहां से भी हम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह, इस पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं व्यूअर्स ये साइजेस आ गए हमारे पास, ये हम 300 साइज लेते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं, इसे क्लिक करेंगे, जैसे देखें क्लिक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं व्यूअर्स साइज इसका चेंज हो गया, ये देख रहे हैं तमाम के साइज उसने चेंज कर दिए हमें, यानी किसी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी व्यूअर्स, देख रहे हैं उन्होंने सबके, क्योंकि ये है बैच एडिटर, तो बैच एडिटर का मकसद ये है कि आपने तमाम पिक्स को रखा और जो अमल करेंगे वो सब पर हो जाएगा। अब देखें ये सब पे जो है सेम साइज हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, अगर हम 500 करके देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये 500 ठीक है, ये क्लियर जो है वो दिखाई दे रहा है, ये देखें।
अच्छा, अब व्यूअर्स हम क्या करते हैं, बात आ जाती है फ्रेम्स की। हम व्यूअर्स इसमें फ्रेम सेट कर सकते हैं। किस तरह व्यूअर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक फ्रेम है व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये फ्रेम आ गया, देख रहे हैं, एक ये हमारा फ्रेम है, इसके ऊपर व्यूअर्स क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं, ये छोटा फ्रेम है। और अगर आप देखें ये तमाम पिक्चर्स पर होगा, ये आप देख रहे हैं, ये देखें, क्लियर व्यूअर्स, ये आपकी तमाम पिक्चर्स पर फ्रेम आ गया, ये हमारा बैच एडिटर है। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स आप यहां से इसका साइज भी जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये देखें, ये बड़ा हो गया साइज। अब अगर इसमें छोटा करना चाहूं, ये देखें व्यूअर्स, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये छोटा हो गया। यहां से आप साइज, इस फ्रेम का साइज, यानी इस बात का ख्याल रखें, फ्रेम का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं मार्जिन और राउंड की, मार्जिन और राउंड की, इसके ऊपर व्यूअर्स क्लिक करते हैं, ये देखें व्यूअर्स, ये इसके ऊपर जो है ये मार्जिन आ गया इसका, ठीक है, और ये राउंड हो गई आपकी पिक्चर, आप देख रहे हैं ये राउंड है इस वक्त, ये देखें यहां से भी ये राउंड है। इसके ऊपर हम अगेन चेक इसका हटा देते हैं, आप देखें आपकी पिक्चर चकोर है, यानी बॉक्स की शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगल है, और इसके ऊपर देखें मार्जिन भी कोई नहीं है यहाँ पे। हम व्यूअर्स क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें, एक तो व्यूअर्स ये मार्जिन आ गया, ये जो व्हाइट कलर का है ये ऊपर मार्जिन है, और राउंड यानी गोल हो गई है आपकी पिक्चर, ये जो किनारे हैं ना पिक्चर के गोल हो गए हैं। अच्छा व्यूअर्स, कैसे अब हम इसमें मजीद इसकी मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे देखें एक बटन है मॉडिफाई का, इसके ऊपर व्यूअर्स हम क्लिक करेंगे। अगर आप इसे देखें व्यूअर्स, इसका बैकग्राउंड कलर है, तो देखें व्यूअर्स इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, ये देखें ओके करते हैं, ये देखें व्यूअर्स बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, और ये एक का नहीं तमाम पिक्चर्स का हो गया, ये देखें व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तमाम पिक्चर्स के लिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अच्छा व्यूअर्स, अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं मॉडिफाई पर। अब व्यूअर्स देखें क्या करते हैं, देखें अगर आप जो है ना इसका राउंड देखें, ये जो है ना ये राउंड, इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो करते हैं व्यूअर्स, ये देखें हम इसका साइज छोटा कर रहे हैं, सॉरी ये 5 तक ले आते हैं, ओके किया, ये आप देख रहे हैं ये 5 पिक्स हो गया, देखिए यहाँ से लाइट सा राउंड है, लाइट सा, ठीक है व्यूअर्स। अगेन इस पे क्लिक करते हैं, अब इसे बढ़ा देते हैं, ये देखिए व्यूअर्स, ओके करते हैं, ये देख रहे हैं आप व्यूअर्स कितना राउंड हो गया, मजीद इसे राउंड कर सकते हैं, मॉडिफाई पर क्लिक करें, इसे और बढ़ा दें व्यूअर्स, ओके करते हैं, ये देख रहे हैं व्यूअर्स मजीद हमने इसे राउंड कर दिया, और ये तमाम पिक्चर्स पर अमल होता है। यानी फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बैच एडिटर है ना, ये जितनी पिक्चर्स आपने यहाँ इंसर्ट कर दी ना, ये उन तमाम पर काम करेगा, ठीक है व्यूअर्स, क्या करेगा, उन सब पर काम करेगा, सिलेक्शन की इसमें जरूरत नहीं होती। अगेन मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं व्यूअर्स, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन है व्यूअर्स, आप भी इन्हें कर सकते हैं, ये मार्जिन की ऑप्शन है, देखें अगर आप टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, यानी जहां से इसे छोटा बड़ा करना चाहें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसको जो है वो 5 या हम इसे 50 कर देते हैं, ठीक है व्यूअर्स, 50 करके कलर भी चेंज कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये हमने 50 किया, कलर चेंज किया। अच्छा, उसके साथ एक और भी इसमें एक ऑप्शन है, इसे मॉडिफाई करेंगे, वो ऑप्शन है व्यूवर्स ये हमारी थिकनेस की, फ्रेम की एक लाइन भी होती है, देखिए फ्रेम लाइन जो है इस वक्त उसने 0 की हुई है, तो अब व्यूवर हम क्या करेंगे, उसे बढ़ा देते हैं, हम 10 कर देते हैं, ठीक है, ओके प्रेस करेंगे, अब आपको दिखाई देगी, ये आप देख रहे हैं व्यूवर्स, अब फ्रेम की जो लाइन है वो भी आ गई है, देखिए ऊपर वाला पोर्शन मार्जिन है और ये हमारा जो है इस वक्त फ्रेम लाइन है, और ये व्यूअर्स हमारा जो है वो फ्रेम के ऊपर जो हमने एक स्टाइल लगाया था, ये फ्रेम स्टाइल हो गया और ये हमारी पिक्चर होगी। मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, फ्रेम लाइन को अगर आप बारीक करना चाहें तो व्यूअर यहाँ से आप इसे बारीक कर सकते हैं, यानी उसकी थिकनेस को छोटा कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये ब्लैक कलर है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो व्यूअर्स ये आप कलर ले सकते हैं, ओके, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, अगेन इस पर क्लिक करें, ठीक है, इसका कलर चेंज कर दें आप, ये ले लें, ठीक है, ओके प्रेस करें, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, इस तरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। 45 वगैरह की व्यूअर्स समझ आ गई। उसके साथ व्यूअर्स अब हम क्या करते हैं कि हमने जो है ना फ्रेम वगैरह भी आपको सेट करवा दिए। अच्छा व्यूअर्स, अब क्या करते हैं व्यूअर्स, अगर आप किसी एक पिक्चर को रोटेट करवाना चाहें,
ठीक है, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को रोटेट करवाना चाहें तो व्यूअर्स आप इसके ऊपर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप सिर्फ इस पे क्लिक कर दें तो इससे आपकी एक पिक्चर ही रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अगर यानी पिक्चर वगैरह कोई सेट करना चाहते हैं तो आप सिंगल सेलेक्ट करें तो देखिए व्यूअर्स दूसरी पिक्चर्स आपकी रोटेट नहीं हुई। व्यूअर्स अब हम इसे सेट कर लेते हैं।